हेलो गाइस, अगर आपने उबंटू सिस्टम में अगर पावर को बचाना चाहते हैं, बैटरी को बचाना चाहते हो, बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा है, ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसमें आप बैटरी को यूज करते हुए बचाना चाहते हैं, तो उसमें पावर सेविंग मोड कैसे ऑन कर सकते हैं, उसके लिए हम आज हम बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नहीं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। जस्ट आप एक सेटिंग्स मिलेगा, यहाँ पे जाइए और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक पावर का एक सेक्शन मिलेगा, जस्ट उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन ब्राइटनेस। तो एक्चुअली पावर को बचाने के लिए आप अपने कंफर्टेबल, जितना कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन ब्राइटनेस कीजिए, इसको मिनिमम रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये ब्राइटनेस जो है आपके पावर को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। एंड देन डीम स्क्रीन वेन इनएक्टिव, अगर आप कुछ समय के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन डीम हो जाएगा, जिससे पावर का बचत होगा, तो इसको भी टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हैं। देन ब्लैंक स्क्रीन, अगर 5 मिनट तक अगर कुछ भी नहीं किए तो वो ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में ये सेटिंग्स है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप बैटरी बचाना चाहते हैं तो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप वाईफाई अगर यूज कर रहे हैं तो इसको टर्न ऑन कीजिए, अदरवाइज वाईफाई यूज नहीं कर रहे हैं, कोई ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं तो इसको टर्न ऑफ करके रखिए, बिकॉज ये बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं जो कि आपके रिसोर्सेज को, आपके बैटरी को कंज्यूम करते हैं बैकग्राउंड में, जिससे डेफिनेटली जो है इससे प्रभाव पड़ता है आपके बैटरी पर। तो इसको आप टर्न ऑफ करिए। और ब्लूटूथ भी कभी कभी ओपन होता है, तो ये भी एक फालतू का बैटरी कंज्यूम करता है, तो इसको भी ऑफ रखिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अदर ऑप्शन भी है। अगर उबंटू के अलग अलग वर्जन के अलग अलग फ्लेवर के अकॉर्डिंग जो भी यूआई फ्लेवर आप यूज कर रहे हैं, सेटिंग्स अलग अलग हो सकता है, उसका इंटरफेस अलग अलग हो सकता है, बट बेसिक जो है सिमिलर ही होगा। जो मैं बताया ऐसा ही इंटरफेस हर जगह देखने को मिलता है। तो आई होप कि ये आपको पसंद आया, और डेफिनेटली जो है अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप डेफिनेटली कॉमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।